वेलकम टू माई चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल और शानदार रेसिपी बताने जा रहे हैं, आटे से करंची हलवा बनाना। तो आइए फिर हम इसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं, बर्तन हमने चूल्हे पर रखा हुआ और अब हम फ्लेम को ऑन करने लगे। हमने तकरीबन एक प्याली के करीब आटा लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने पहले से छान लिए और फ्लेम को हमने ना लो रखना है और आटे को फ्लेम को हमने लो रखना है और आटे को हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। आटे को हमने जो है ना लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, तकरीबन 5 मिनट हमने कर लिया है, ठीक है। और आपने इसको चम्मच चलाते जाना है, चम्मच चलाते रुकना नहीं है, क्योंकि इससे ये जल जाएगा आटा। अब हम इसमें जो है ना ऑयल डालेंगे। आप ये वैसे देसी घी का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऑयल का भी खा सकते हैं। ऑयल डालेंगे हम इसको और हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि ऑयल हमें कितना और चाहिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेगा। ये देखिए हमने इसमें ऑयल डाला, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। हमने इतना ऑयल डालना है कि हमें हलवे में ऑयल जो है ना अभी से थोड़ा सा नजर आए, कि जब ये फ्राई होगा ना फिर ये अपना ऑयल खुद ही छोड़ देगा। ये देखें, अब हम इसको हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया और इसका कितना अच्छा माशाल्लाह से ब्राउन कलर आ गया। अब इस स्टेज पर आकर ना हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे और यही हमारा हलवे का मेन आइटम है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हमने क्रंच किस तरीके से बनाने हैं। ये देखिए चीनी डालेंगे और इसको हमने हलवे के साथ फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि चीनी जो है वो मेल्ट होकर क्रंचीज की शक्ल अख्तियार कर ले। फिर जब हम हलवे में पानी ऐड करेंगे ना तो हमारी ये क्रंचीज घुलेंगे नहीं और आप खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में आएंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और इसमें जो है ना चीनी के क्रंचीज बन गए हैं। आपने चीनी को भी फ्राई करेंगे तो इसके मज़ेदार से क्रंचीज बन जाएंगे। अब हम इसमें हमने इलायची डाली हुई थी, क्रश करके रखी हुई थी, वो डालेंगे और अब यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा हलवा अब रेडी हो गया। हमने इसको 5 मिनट जो है ना मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहे। अब ये अच्छे तरीके से रेडी हो गया, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने हलवे को डिश आउट कर लिया, अब हम इसको गार्निश करेंगे। हमारे पास थोड़े से बादाम और काजू हैं जो हमने क्रश किए हैं, उससे हम इसको
गार्निश करेंगे। ये देखिए हमने इसको गार्निश भी कर लिया। अच्छा, ये आटे का हलवा बनाते हुए ना आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो ये कि जो आजकल आटा होता है ना, फाइन आटा, बिल्कुल जो बारीक होता है, सफ़ेद आटा, जिसकी हम अक्सर घरों में रोटियां बनाते हैं, ये उसका नहीं बनेगा। ये जो गंदम का आटा होता है ना, जो पिसा हुआ, जो चक्की से मिलता है, ये हलवा सिर्फ उसी का बनता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो और आपको मज़ीद हमारी और इसी किस्म की रेसिपीज़ चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।